नमस्कार, मैं हूं रोशनी। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से, और इस वक्त की बड़ी खबर है सिद्धार्थनगर से। संचार एवं रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा पहुंचे कार्यक्रम स्थल। मुख्य डाकघर और पासपोर्ट ऑफिस का किया लोकार्पण। कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। इस वक्त की बड़ी खबर सिद्धार्थनगर से, जहां संचार एवं रेल राज्य मंत्री मुख्य डाकघर और पासपोर्ट ऑफिस का लोकार्पण करने पहुंचे हैं। कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। आपको बता दें, संचार एवं रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा पहुंचे कार्यक्रम स्थल, जहां मुख्य डाकघर और पासपोर्ट ऑफिस का लोकार्पण किया गया है। कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। इस वक्त की बड़ी खबर है सिद्धार्थनगर से। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां संचार एवं रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा पहुंचे हैं कार्यस्थल, और मुख्य डाकघर और पासपोर्ट ऑफिस का लोकार्पण किया गया है। कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। यूपी के सोनभद्र के जिला अस्पताल में छेड़खानी के विवाद में एक फार्मासिस्ट की पिटाई से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि फार्मासिस्ट अस्पताल में आई एक किशोरी को बार बार फोन करके परेशान कर रहा था, जिसके बाद पीड़िता के परिजनों ने जिला अस्पताल के होम्योपैथिक विभाग पहुंचकर आरोपी की पिटाई कर दी। बहरहाल, आरोपी युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फार्मासिस्ट ने छेड़खानी के आरोप से इनकार किया है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस तहरीर के आधार पर कार्रवाई की बात कह रही है। आज तक कभी किसी को नंबर दिया नहीं, दिया तो अब क्यों दूंगा? तो वो लोग फिर उसके बाद वो पता किए, फिर उस लड़की का नंबर निकाले, रजिस्टर में नोट था, और उसके बाद वही रजिस्टर फाड़ दिए, फिर हमको मारे पीटे। फिर उसके बाद उन लोगों का तो आरोप है कि आप उनकी जो है सिस्टर को परेशान करते थे फोन कर करके। वो तो मेरे पता कर लेना कि किसने फोन किया है, मेरा नंबर मेरे पास ही है, वो पता तो कर सकते हैं। आपके नंबर से फोन गया है वहाँ पे? नहीं तो वही तो बोल रहा हूँ, नंबर तो पहले चेक करें, नंबर भी तो उनको चेक करना चाहिए। मेरा दो ही नंबर है और दोनों नंबर मेरे पास है, उनको फोन भी नहीं किया। अस्पताल होम्योपैथ विभाग में दवा लेने के लिए वहाँ पे राहुल नाम का एक कोई फार्मासिस्ट है जो नंबर वगैरह नोट करते हैं। तो रजिस्ट्रेशन के समय उन्होंने उस बच्ची का नंबर नोट किया, और उस नंबर पे राहुल और उनका एक मित्र है सन्नी, ये दोनों लोग रात से ही उस कल से ही फोन करके अनाप शनाप बातें कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं। जो फार्मासिस्ट है वो भी फोन कर रहे हैं। उसके बाद नंबर तो सनी का है, सनी के नंबर से फोन किया जाए, जो राहुल का दोस्त है उनके मोबाइल में उसका नंबर ऐड है। अच्छा। और फोन करके वो अनाप शनाप बातें कर रहे। इस बारे हम लोग पूछताछ करने के लिए जब वहाँ पे गए तो बदतमीजी किए। तो अब वहाँ पे हम लोग आम आदमी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, इसलिए पुलिस हम लोग उठा करके थाने ले। इस मामले में हम तहरीर अभी लड़की की तरफ से दी जा रही है। हम लोग तहरीर बीती रात रोडवेज बस स्टॉप के सामने ढाबे पर गोलियों से छलनी कर एक युवक की हत्या कर दी गई। सरेआम गोलियों की तड़तड़ाहट से इलाके में भड़कम मच गया। भीड़ से घिरते देख हमलावर ने खुद को एक ढाबे के कमरे में बंद कर लिया। सीओसीटी ने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर हमलावर को हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें कि ताजा मामला यूपी के सितारपुर शहर कोतवाली क्षेत्र के रोडवेज बस स्टॉप चौकी का है। वारदात की खबर पाते ही सीओसीटी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस काफी मशक्कत के बाद किसी तरह हमलावर को हिरासत में लेकर कोतवाली ले गई। हालांकि हत्या के कारणों का भी पता नहीं चल पाया है। नोएडा में निर्माणाधीन मेट्रो ट्रैक
ट्रैक पर एक युवक के गिरने से हंगामा हो गया। वही घटना स्थल पर मौजूद लोगों ने घायल युवक को निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। और उसका पैर की हड्डी टूट गई है, 3-4 जगह से उसकी पैर की हड्डी टूटी है, उसका एक ट्रीटमेंट चल रहा है, पहले से सुधार है। यूपी के बांदा में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक नाबालिग किशोरी के जीजा के दोस्तों ने बंधक बनाकर सामूहिक दुष्कर्म किया। वहीं घटना के बाद घर पहुंची पीड़िता ने अपने परिजनों को सारी वारदात बताई, जिसके बाद पीड़िता के परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराया। वहीं पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है, साथ ही पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा है। इस पर हमारे यहाँ मुकदमा अपराध संख्या 29/19 लिखा गया है। मुकदमा अपराध संख्या 29/19 धारा 376D और 3/4 पॉक्सो एक्ट का मामला है। ये हमारे थाना बबेरू में लिखा गया है, जिसमें घटना स्थल आपका रगौली था गांव है। इसमें वादी है अनिरुद्ध राजपूत और ये बनाम मध्य प्रदेश अजय उर्फ बहोरन राजपूत और अमर सिंह पुत्र काशीराम, ये दोनों क्रमशः छतरपुर और टीकमगढ़ के रहने वाले हैं। इनको पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है और मौके से जो भी चीज़ें मिली हैं साक्ष्य इत्यादि एकत्रित करके हम लोग आगे की विवेचना की कार्रवाई कर रहे हैं। सीतापुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। आपको बता दें, दरअसल पुलिस अधीक्षक के एलआर कुमार के आदेशानुसार सहारनपुर और अन्य जनपदों में हुई विषाक्त कांड के मद्देनजर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस ने अवैध शराब समेत एक कार को गिरफ्तार कर लिया है और 3 शराब तस्कर को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बरामद की गई शराब करीब 280 लीटर अवैध शराब 500 ग्राम की मानी जा रही है। यूपी के बरेली में योगी सरकार का पुतला फूंकना समाजवादी पार्टी के नेताओं को काफी महंगा पड़ गया। बरेली पुलिस ने समाजवादी पार्टी के नेताओं पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। दरअसल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को एयरपोर्ट पर रोके जाने को लेकर यह हंगामा हुआ है, जिसके विरोध में पार्टी के नेताओं ने रोड पर जमकर प्रदर्शन किया। साथ ही योगी सरकार का पुतला भी फूंका, जिस पर नाराजगी जताते हुए पुलिस ने बरेली में धारा 144 लगाई हुई है। वहीं इस मामले में सिटी के एसपी अभिनंदन सिंह ने बताया कि इस मामले में पूरे जिला अध्यक्ष के साथ 40 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस इस मामले की वीडियो फुटेज के आधार पर जांच कर रही है। हमारे यहाँ जो लॉ एंड ऑर्डर और ट्रैफिक मेंटेनेंस, ये पुलिस की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इसी क्रम में कुछ लोग आए थे और उन्होंने सरकार के लोगों का कुछ पुतला दहन करने का प्रयास किया। कल अलग अलग जगहों पर ऐसी घटनाएं हुई, उन्हें समझाने के बावजूद वो लोग नहीं माने और चूंकि जनपद में धारा 144 CRPC लागू है, तो बिना पुलिस प्रशासन के परमिशन लिए अगर इस तरह की चीज़ें करना उचित नहीं है, तो इसी क्रम में हम लोगों ने कानूनी कार्रवाई की है और ऐसे लोगों पर जो लोग पुतला दहन कर रहे थे और जाम कर रहे थे, सड़क पर भीड़ लगा रहे थे, तो उनके खिलाफ हम लोगों ने मुकदमा दर्ज किया है। समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि मोदी ने सबके साथ मिलकर काम किया है और उनको उनके फिर से प्रधानमंत्री बनने की कामना करते हैं। इस बयान पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संसद में मुलायम सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ यूं ही नहीं की थी, उनके मुंह से सच सामने आ गया है। उनके इस बयान पर जहां समाजवादी पार्टी हैरत में पड़कर दुखी हो गई है, वहीं कांग्रेस ने कहा कि इस बयान से बीजेपी को नहीं कांग्रेस को फायदा मिलेगा। मुलायम सिंह के पुराने करीबी और समाजवादी पार्टी के चर्चित नेता आजम खान ने मुलायम सिंह के बयान पर दुख जताते हुए कहा कि यह बयान उनके मुंह में डाला गया है, ये नेताजी का बयान नहीं है, ये बयान उनसे दिलवाया गया है। इतने माननीय सदस्य दोबारा फिर जीत गया, ये हमारी इच्छा है
तो ये सब कारण है। और तो ये भी चाहता हूँ हम लोग पर इतना भ्रमण तो नहीं आ सकते हैं, प्रधानमंत्री जी आप फिर बने प्रधानमंत्री। बहुत दुख हुआ है सुनकर, सारी जिंदगी मुलायम सिंह जी के साथ फैशिज्म के खिलाफ लड़ते हुए ही यहाँ तक पहुँचे हैं। बस हम सिर्फ इतना कहेंगे, किस्मत पे उस मुसाफिर खस्ता की रोइए जो थक गया हो बैठ के मंजिल के सामने। और ये भी कहना चाहेंगे कि ये बयान उनके मुंह में डाला गया है, ये मुलायम सिंह जी का बयान नहीं है, ये बयान दिलवाया गया है। ये कहा है और संसद का अंतिम सत्र का अंतिम दिन, स्वाभाविक रूप से अंतिम समय में व्यक्ति को सत्य बोलना ही चाहिए और वह सत्य आज संसद के पटल पर उद्घाटित हुआ है। मैं मुलायम सिंह जी का अभिनंदन करता हूं और मुझे विश्वास है कि मुलायम सिंह जी की तरह मुलायम सिंह जी के वारिस भी इस सच को स्वीकार करें। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने विगत 55 महीनों में इस देश के लिए विकास और सुशासन की जो सुदृढ़ आधार रखी है, गांव, गरीब, किसान, नौजवान और समाज के हर तबके के विकास के लिए जिस प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया है, इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो कार्य किए हैं, देश को हर मोर्चे पर एक नई ऊंचाई तक ले जाने का जो कार्य हुआ है वो अद्भुत है, अनुकरणीय है। राजस्थान में आरक्षण की मांग कर रहे गुर्जरों के आंदोलन के समर्थन में सहारनपुर में भी गुर्जर समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों ने रेलवे ट्रैक जाम करने की भी कोशिश की, लेकिन अधिकारियों के समझाने के बाद रेलवे मार्ग से हट गए। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे अमित चौधरी ने कहा कि अगर राजस्थान में गुर्जर आंदोलन बिल पास नहीं होता है तो भविष्य में सहारनपुर का गुर्जर समाज बड़ा आंदोलन करने को बाध्य होगा। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोग ने कहा कि जब तक राजस्थान में गुर्जर समाज के लोगों के लिए आरक्षण बिल पास नहीं होता तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। हमने कल राजस्थान में जो आरक्षण की मांग कर रहे हैं गुर्जर और वो आंदोलनरत हैं, तो उनको अपना समर्थन देने के लिए, सरकार के प्रति अपना क्रोध दिखाने के लिए हमने आज रेलवे ट्रैक जाम की घोषणा की थी कल कि हम रेलवे ट्रैक जाम किया जाएगा और सहारनपुर में जगह जगह प्रदर्शन किया जाएगा। उसको देखते हुए आज हमने पता चला, हमारी बात हुई कुछ अधिकारियों से कि वो वहाँ जो बिल है, आरक्षण का बिल है, वो पेश हो चुका है और वो पास भी हो जाएगा। अगर ये बिल पास नहीं होता है तो हम दोबारा यहीं आकर रेलवे ट्रैक भी जाम किया जाएगा और इसमें हिंसात्मक आंदोलन भी किया जाएगा। और इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से है। उड़ान के दौरान डिप्टी सीएम केशव के विमान में आई खराबी, पायलट की सूझबूझ से विमान को सुरक्षित उतारा गया। आजमगढ़ में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने जा रहे थे। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पायलट की सूझबूझ से विमान को सुरक्षित उतारा गया है। आजमगढ़ में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करने जा रहे थे। उड़ान के दौरान डिप्टी सीएम केशव के विमान में खराबी आ गई, जिसको लेकर पायलट की सूझबूझ से विमान को सुरक्षित उतार लिया गया और आजमगढ़ में किसी एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए डिप्टी सीएम केशव जा रहे थे। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर है लखनऊ से। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से है, जब उड़ान के दौरान डिप्टी सीएम केशव के विमान में खराबी आ गई थी, जिसको लेकर पायलट की सूझबूझ से विमान को सुरक्षित उतार लिया गया और आजमगढ़ में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने जा रहे थे।
और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आजमगढ़ से। पुलिस को छापेमारी में मिली बड़ी कामयाबी, 3 लाख के नकदी नोट बरामद। पुलिस की छापेमारी में 2 गिरफ्तार। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पुलिस को छापेमारी में बड़ी सफलता हाथ लगी है, 3 लाख के नकदी नोट बरामद कर लिए गए हैं। साथ ही पुलिस को छापेमारी में 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर आजमगढ़ से है। पुलिस को छापेमारी में बड़ी सफलता हाथ मिली है लगी है जिसमें 3 लाख के नकदी नोट बरामद कर लिए गए हैं। साथ ही 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और इस वक्त की जो खबर है सहारनपुर की, उस पर हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, समीम अहमद। जो रेलवे ट्रैक जाम कर दिया गया है गुजरों द्वारा, तो क्या कुछ और अपडेट है? लोगों को काफी नुकसान हो रहा है, परेशान हो रहे हैं, तो क्या कुछ प्रदर्शन चल रहा है वहां पर? जी रोशनी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये गुज्जर आंदोलन राजस्थान के अंदर चल रहा है। इसी क्रम में जो है सहारनपुर में गुज्जर समाज के लोगों ने अपना जो विरोध प्रदर्शन जो है जाहिर किया था, इसके क्रम में जो है सहारनपुर में कई जगह जो है प्रदर्शन किया गया था। और सरसावा में अगर बात करें तो सरसावा में गुज्जर समाज के लोगों ने जो है रेलवे ट्रैक जाम करने की कोशिश की थी, और इस रेलवे ट्रैक को जाम करने के लिए जब वो लोग वहां पहुंचे तो अधिकारियों ने उन्हें समझाया और बताया कि जो ये गुज्जर आंदोलन का बिल है ये जो है विधानसभा में जो है भेज दिया गया है और ये जल्दी पारित हो जाएगा। तो इस आश्वासन पे जो है उन्होंने रेलवे ट्रैक जाम तो नहीं किया, लेकिन रेलवे ट्रैक जब जाम कर रहे थे उसी समय जो इनके नेता थे अमित गुज्जर, उन्होंने कहा कि अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा या हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा तो ये जो है उग्र आंदोलन किया जाएगा और सहारनपुर में रेलवे जाम करने के साथ साथ जो है हिंसात्मक आंदोलन किया जाएगा। जी रोशनी जी, जो बिल लागू न करने पर क्या कुछ चेतावनी दी गई है गुज्जरों द्वारा? जी, बिल लागू नहीं करने पर उन्होंने साफ साफ लफ्जों में कहा है कि अगर बिल लागू नहीं किया जाता तो सहारनपुर में जो है बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, इसके साथ साथ रेलवे का चक्का जाम किया जाएगा और उसी के साथ हिंसात्मक जो है प्रदर्शन की चेतावनी जो है दी गई है। जी रोशनी जी, अगर बात करें लोकसभा चुनाव की, क्योंकि वो नजदीक है, तो उसको देखते हुए सरकार का क्या कुछ कदम उठा सकती है? जी बिल्कुल, जैसे कि लोकसभा चुनाव जो है यूपी के अंदर भी काफी सरगर्मी से इस समय चल रहा है, सभी नेतागण सभी तमाम लोग जो है चुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं, तो इसके देखते हुए जो है ये कहा जा सकता है कि ये मांग जो है इसे जो सरकार किसी न किसी तरीके से मानने की या किसी न किसी तरीके से जो है दिलासा देने की कोशिश जरूर करेगी। और सहारनपुर की भी अगर बात करें तो सहारनपुर में कुछ नेता हैं, जो नेता जो है लगातार आश्वासन दे रहे हैं गुजरों को, और गुजर का जो वोट है बड़ा वोट जो है यहाँ पर कहा जा सकता है लोकसभा चुनाव सीट कैराना और सहारनपुर में, तो उस वोट को लुभाने के लिए, उस वोट को अपनी तरफ कन्वर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ वादे या कुछ ना कुछ इनकी मांगे पूरी करने का जो है अंदेशा है। जी रोशनी जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की तबीयत बिगड़ी, प्रयागराज से इलाज के लिए लाया जा रहा है बीएचयू। आपको बता दें, स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की तबीयत बिगड़ चुकी है, जिसको
इलाज के लिए प्रयागराज बीएचयू में लाया जा रहा है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर है प्रयागराज से। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर प्रयागराज से है, जहां स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की तबीयत बिगड़ गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार।